बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आई एम योर ट्यूटर मोहम्मद जाहिद महमूद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िकल एजुकेशन। First of all, we discussed the definition of J.B. Nash. According to J.B. Nash, physical education is the phase of whole field of education that deals with big muscle activities and their related responses. J.B. Nash ke mutabik physical education पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक ख़ास हिस्सा है और ये जिस्म के बड़े उजलात की एक्टिविटीज़ और उनके रद्दे अमल के मुतल्लिक मुतालिया है। अब मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि बड़े उजलात कौन कौन से हैं। वैसे तो जिस्म में लगभग 700 के लगभग आपके जिस्म में उजलात हैं, लेकिन उनमें बड़े उजलात में सार्टोरियस मसल है जो आपकी गर्दन से शुरू होकर पाँव की एड़ी तक जाता है, सबसे बड़ा मसल उसको कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो आम तौर पर उजलात जिनको हम स्केल्टन मसल जिनको हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये आपके बाजू का ऊपर वाला कोहनी के ऊपर वाले हिस्से के जो सामने की तरफ के उजलात हैं इनको बाइसेप मसल्स कहते हैं। और बाइसेप इसलिए कहा जाता है, बाई का मतलब है दो, तो इनकी बनावट इस तरह की होती है कि इट लुक्स लाइक कि ये दो मुंह हों, जिस तरह इसके दो माउथ हों। तो इसी तरह इसके बिल्कुल अपोजिट ये हैमरस की हड्डी है कोहनी से ऊपर वाली, और इसके बैक साइड वाले उजलात जो हैं उनको ट्राइसेप मसल्स कहा जाता है। ट्राइसेप कहने की वजह भी यही है कि इसकी शेप बनावट इस तरह की होती है कि जिस तरह एक उजलात के तीन मुंह हों। इसके साथ साथ आपके थाई के सामने वाले मसल्स इनको क्वाड्रिसेप मसल्स कहा जाता है, और इसी तरह थाई के बैक साइड वाले मसल को हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। आगे हम चलते हैं कि मार्क बुचर ने फिज़िकल एजुकेशन की जो तारीफ़ की है वो किन अल्फाज में की है। बुचर हैज़ डिफाइंड फिज़िकल एजुकेशन एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस, इज अ फील्ड ऑफ एडवर विच हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीज़न through the medium of physical activities which have been selected with the view to realize these outcomes. Mark Butcher ये कहता है कि जो physical education है वो तमाम education के process का हिस्सा है, और इससे हम क्या हासिल करते हैं physically, mentally, emotionally एंड सोशली फिट सिटीज़न जो हैं हम फिज़िकल एजुकेशन के ज़रिए हासिल करते हैं। अब थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ कि किस तरह हम फिज़िकल एक्टिविटी से मेंटली और इमोशनली जो है सोशली किस तरह फिट होते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी खेल के अगर खिलाड़ी हैं, अगर वॉलीबॉल के कह लें, क्रिकेट के कह लें, फुटबॉल के कह लें, तो आपको विद इन सेकेंड या सेकेंड से भी कुछ कम अरसा नैनो सेकेंड में फ़ैसला करना होता है। जब आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, आपने कैसा बॉल फेंकना है, आपने अगर कोई बॉल फ्रंट फुट पे आता है तो उसको कैसे खेलना है, हुक शॉट कैसे खेलना है, जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे कि हुक शॉट क्या होता है। इसी तरह अगर आप वॉलीबॉल में हैं, आप नेट के ऊपर खड़े हुए हैं, आपने आइडिया लगाना है, आपने स्मैश करना है, आपने छोटा बॉल मारना है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि जो भी बंदा जो खेल में हिस्सा लेता है
वो मेंटली तौर पर अलर्ट होता है। अब इमोशनली की तरफ आ जाएं, इमोशनली अब देखें, आप किसी भी खेल में हिस्सा ले रहे हैं, आपको अंपायर के रेफरी के इख्तियारात का पता है, तो आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं, आपको सिक्स पे सिक्स पड़ रहे हैं, यू हैव टू बियर, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, वायलेशन करेंगे उस खिलाड़ी से या अंपायर से, या बैट्समैन है आपको गलत आउट दे दिया जाता है, तब भी आपको बियर करना है, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये तरबियत से, ट्रेनिंग से और खेल में हिस्सा लेने से खिलाड़ी में पैदा होती हैं, और ये एक लीडर की खसूसियात भी हैं जो कि खेल से पैदा होती हैं। आगे हम चलते हैं जी इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। क्वालिटी फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर नीडेड टू इंक्रीज द फिज़िकल कॉम्पिटेंस, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंजॉयमेंट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी फॉर ऑल द स्टूडेंट, सो दैट दे कैन बी फिज़िकली एक्टिव फॉर लाइफ टाइम। फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन ओनली प्रोवाइड दीज बेनिफिट्स इफ़ दे आर वेल प्लान्ड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड। अब फिज़िकल यहाँ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, खेल को एज ए एन्जॉयमेंट इसकी बात की जा रही है। इस तमाम रीडिंग का जो लुबे लबाब है कि फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम कैन ओनली बी प्रोवाइडेड दीज बेनिफिट्स इफ़ दे आर वेल प्लान्ड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड, ये तमाम के तमाम खेल से या खेल से कम्पिटेंसी बढ़ती है, खेल से इन्जॉयमेंट होती है, खेल से हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट जो हैं वो बेहतर होते हैं, वो सिर्फ इसी सूरत में होते हैं कि अगर आपने इनको वेल प्लान्ड किया हो और उनको अच्छे तरीके से इनको इनका इम्प्लीमेंट भी किया गया हो। स्ट्रेंथ पी रिलेशनशिप, फिजिकल एजुकेशन कैन बी मेजर फोर्स इन हेल्पिंग चिल्ड्रन सोशलाइज विद अदर सक्सेसफुली एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न पॉजिटिव पीपल स्किल्स स्पेशली ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एंड अडोल्सन, बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन डांस गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीर कल्चर। पीर कल्चर इट मीन्स सोशल कल्चर, जो कि आपका आपके हम उम्र दोस्तों साथियों के साथ जो तल्लक है, खेल इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। इससे इंसान पॉजिटिव जो स्किल्स हैं वो सीखता है, स्पेशली लेटर चाइल्डहुड। अब अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसमें बचपन है, लेटर चाइल्डहुड है, इससे आगे एडोल्सन है, पबर्टी है, डिफरेंट स्टेजेस हैं उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो ये उसकी उम्र की डिफरेंट स्टेजेस हैं साइकोलॉजी में, स्पेशली ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड और एडल्सन और लड़कपन के उम्र में, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये इन चीज़ों में, डांस में, किसी खेल में, किसी स्पोर्ट्स में, किसी चीज़ में, खेल में खिलाड़ी हिस्सा लेता है तो उसको दूसरे साथियों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलने की आदत होती है, वो इन चीज़ों से सीखता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी टीम गेम, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इनमें देखें तो तमाम की तमाम जो टीम की कारकर्दगी होती है वो पीर रिलेशनशिप की होती है। इंडिविजुअली तो है जेवलन, शॉट पट, जिसमें एक खिलाड़ी, रनिंग के इवेंट हो गए, थ्रोइंग के हो गए, इसमें एक खिलाड़ी का किरदार होता है, उसने अकेला वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है, मेडल हासिल कर लेता है, लेकिन टीम इवेंट में पीर रिलेशनशिप जो है ये स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, इसको स्पोर्ट्स कोहीजन भी कहते हैं, ताकि तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिल के चलें और अपनी टीम को मजबूत बनाएं। इम्प्रूव्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, फिजिकल एजुकेशन इंस्टिल्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मास्टरी ऑफ स्किल्स एंड कंसेप्ट इन फिजिकल एक्टिविटी। दे कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट, असर्टिव, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। खेलों से खिलाड़ियों में, खेल से खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ये कैसे होता है? खिलाड़ी का दूसरे
अपने खिलाड़ियों के साथ बहुत सारों के साथ मिलने का वास्ता पड़ता है। इसके बाद अगर वो किसी क्लब की सूरत में नेशनल, इंटरनेशनल, प्रोवेंशल लेवल पर या वर्ल्ड कप लेवल पर खिलाड़ी खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मेल जोल की वजह से, और फिर ये मीडिया पे आने पे उनको, अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप टीम के कैप्टन हैं तो आपको कमेंटेटर है जो अनाउंसर है, इनाम देने वाला है, उससे भी आपको बातचीत करना पड़ती है। तो इस तरह खिलाड़ी जब खेलता है तो उसके अंदर की जो सलाहियतें होती हैं वो उभर कर आती हैं, जिससे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो इट मीन्स कि खेल से किसी भी शख्स का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। एक्सपीरियंस सेटिंग गोल्स। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड चिल्ड्रन टू अपॉर्चुनिटी टू सेट अ स्ट्राइव ऑफ पर्सनल अचीवेबल गोल्स। जब हम गोल्स की बात करते हैं तो गोल्स के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट। ये तमाम कैपिटल वर्ड्स हैं, SMART। तो ये स्मार्ट छोटे वाला नहीं है, बल्कि ये एक अलग अलग एब्रीवेशन है। S सस्टेनेबल, A से अचीवेबल, M से मेयरेबल, R से रैशनल और T से टाइम बाउंड। यानी कोई भी आप किसी भी गोल का इंतखाब करें तो उसमें ये पांच चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो अचीवेबल भी हो, सस्टेनेबल भी हो, वो रेशनल भी हो, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी की जा सकती हो। मिसाल के तौर पर आप फर्स्ट में ही ये इंतखाब कर लें कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो ये बेहतर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रास लेवल पे अगर खेल रहे हैं, तहसील की सतह पे खेल रहे हैं, तो तहसील प्लेयर की कोशिश करें, उसमें अच्छी कारकर्दगी के बाद आप डिस्ट्रिक्ट की कोशिश, डिस्ट्रिक्ट का लेवल का अपना गोल सेट करें, डिवीजन लेवल पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोवेंशल लेवल पे आप खेलें। हाँ, फिर उसके बाद आपकी आप ये गोल सेट करें कि इंशाल्लाह आई विल बी प्लेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो ये आपके गोल सेटिंग के लिए, ये आपके लिए मावन होगी ताकि आप प्रोग्रेशन के असूल को अपनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल तक पहुँच सकें। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन फैसिलिटीज डेवलप ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि आप जो भी डिसिप्लिन असूलों कवायद की चीज़ें हैं खुद उनको अपने आप ऊपर लागू करें, बजाय इसके कि वो चीज़ें आप पर ज़बरदस्ती या इम्पोज़ की जाएं या आप बार बार उस बारे में कहा जाए कि इन चीज़ों को अडाप्ट करें। मिसाल के तौर पर आप प्लेयर हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको विद इन टाइम जो आपके आपके प्रैक्टिस का टाइम है, आपके मैच का टाइम है, आपकी ट्रेनिंग का टाइम है, तो आप टाइम से 5 मिनट 10 मिनट पहले तैयार होकर पहले ग्राउंड में पहुँचें, बजाय इसके कि आप लेट पहुँचें, आपसे बहस पुरस की जाए, आपसे पूछा जाए कि आप लेट क्यों हुए हैं। तो ये चीज़ आपकी ईगो को भी हर्ट करेगी। तो इसलिए खेल जो है वो खिलाड़ी को सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है, वो उसूलों कवायद को पाबंद होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी चीज़ें जो खेल वाली हैं वो उसकी आम ज़िंदगी में भी उसके ऊपर आ जाती हैं और वो अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड और एक महज़ब शहरी के तौर पर पेश करता है। स्ट्रेस रिडक्शन। फिजिकल एक्टिविटी बिकम्स एन आउटलेट फॉर रिलीजिंग टेंशन, एंजाइटी एंड फैसिलिटीज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिलैक्सेंस। फिज़िकल एजुकेशन से, जो फिज़िकल एक्टिविटी से अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप किसी खेल में हिस्सा लेते हैं तो आप ख़ुद को प्लेजर महसूस करते हैं, एन्जाइटी महसूस नहीं करते, परेशानी महसूस नहीं करते, आपकी जो टेंशन होती है उससे कम हो जाती है, टेंशन रिलीज़ होती है खेल से। और ये भी मैं यहाँ बताता चलूँ कि एक तो इंसान किसी खेल में हिस्सा एक्टिविटी में अपनी मर्ज़ी से लेता है और उसमें वो खुशी फील करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जिस्म के जो 11 बड़े सिस्टम हैं वो तमाम के तमाम, अगर आप किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, किसी खेल में हिस्सा लेते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप बिल्कुल उसको चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, आपका
सांस लेने जो आपके अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह तमाम के तमाम जो सिस्टम हैं, जिसमें सर्कुलेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। और जब इन तमाम सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर होती है तो इंसान में जो स्ट्रेस और एन्जाइटी है वो कम हो जाता है। इम्प्रूव्ड फिजिकल फिटनेस, इम्प्रूव्ड चिल्ड्रंस मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। इसमें तीन चार चीज़ों को बयान किया गया है कि खेल में हिस्सा लेने से, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने से, फिज़िकल एजुकेशन में इन्वॉल्व होने से आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ हो जाते हैं, वो मज़बूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। आप देखें, अगर कोई कबड्डी का खिलाड़ी अगर आप देख रहे हैं तो कितने ज़ोर से रेडर और स्टॉपर जो हैं आपस में ज़ोर आजमाई करते हैं, तो नीचे भी गिरते हैं एक बार दो बार, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल सेहतमंद और ठीक रहते हैं, उन्हें कोई इतनी कोई बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं आती। उसकी वजह यही है कि वो बार बार एक्सरसाइज के करके उनके जो जॉइंट हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जॉइंट के ऊपर जो लिगमेंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चोटें नहीं आती। मस्कुलर एंड्योरेंस, पट्ठों की जो एंड्योरेंस बढ़ जाती है, एंड्योरेंस से मुराद ये है कि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप देखें, हॉकी का मैच है, क्रिकेट का मैच है, जिसमें खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके हिस्सा लेते हैं। क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 90 ओवर का खेल होता है, जो विकेट कीपर है, बाकी फील्डिंग वाले खिलाड़ी हैं, तो बहुत ज़्यादा देर उनको वहाँ ग्राउंड में खड़े होना पड़ता है, मतलब तो बॉलिंग करवानी पड़ती है, तो उसके लिए वो इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक अपनी जो भी एक्टिविटी है, खेल है, उसमें हिस्सा ले सकें, उसमें उसको सही तरीके से अंजाम दे सकें। बॉडी कंपोजिशन है एंड कार्डियोवैस्कुलर, बॉडी कंपोजिशन तो जिस्म के बारे में एटलस ऑफ मैन की बुक है, शिल्डन की बुक है एटलस ऑफ मैन, उसमें तीन जो बड़ी कैटेगरीज हैं वो बयान की गई, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनको अलग से आपके लिए एक अलग लेक्चर लेकर आऊँगा। अगला आखिरी इसका हिस्सा है कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर जो कि नाम से ही जा रहा है, कार्डियो दिल को कहते हैं, और एंड्योरेंस मतलब यह है कि किसी काम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी खेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपके जिस्म को खून की और रवानी जो है वो मुहैया करते रहता है, जिस्म दिल जो है वो खून मुहैया करता रहता है, वो ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी की ट्रेनिंग की वजह से होता है। सेल्फ डेवलपमेंट, डेवलप मोटर स्किल्स विच अलाउ फॉर सेफ सक्सेसफुल एंड सेटिसफाइंग पार्टिसिपेशन इन फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन में खेल में हिस्सा लेने से आपकी मोटर स्किल्स जो हैं, मोटर स्किल्स से मुराद ये है कि मोटर लफ्जी मीनिंग ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी आप आपका चलना, दौड़ना, फिरना, ये तमाम की तमाम चीज़ें मोटर में आ जाती हैं। और स्किल्स, स्किल है कोई भी आपकी सीखी हुई महारत है, जिसमें आप कोई चीज़ सीखते हैं। एक लिखना जो है ये एबिलिटी है, और बहुत अच्छा और खुश खत लिखना, मिसाल दे रहा हूँ कि ये एक स्किल है। इसी तरह चलना जो एक है ये एबिलिटी है, लेकिन स्प्रिंट लगाना, फिर मैराथन रेस लगाना, ये तमाम की तमाम स्किल्स हैं जिनको हम सीख के आगे इसमें बेहतरी ब्लैक लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, इस खिलाड़ी जो है वो सेफ होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और अपनी जो उसकी खेल में शमूलियत है उससे सेटिस्फाई भी हो जाता है। रेगुलर हेल्थ फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, फिजिकल एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ी रेंज में खिलाड़ियों को बहुत ही मुनासिब एक्टिविटीज़ मुहैया करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खिलाड़ी स्प्रिंटिंग में हिस्सा लेना चाहे तो उसमें ले सकता है, अगर कोई लंबी दौड़ों में हिस्सा लेना चाहे तो उसमें ले सकता है। जिस तरह एथलेटिक्स के बहुत सारे इवेंट हैं जिसमें रनिंग है, थ्रोइंग है, जंपिंग है, तो हर खिलाड़ी अपनी अहलियत के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक खेल में हिस्सा ले सकता है। स्पोर्ट ऑफ
अदर सब्जेक्ट एरियाज, रीएनफोर्समेंट नॉलेज लर्न्ड अक्रॉस द करिकुलम सर्व एज अ लैब फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट इन साइंस मैथ एंड सोशल स्टडीज. रीएनफोर्समेंट नॉलेज लर्न्ड अक्रॉस द करिकुलम, रीएनफोर्समेंट नॉलेज से मुराद यह है कि ऐसा इलम जो आपको दोबारा इलम हासिल रीएनफोर्स करना, बार बार आपको इन्फोर्स करे कि ये चीज़ें आप हासिल करें, जिनको हम एक करिकुलम से हासिल करते हैं, जो हमारा नसाब है. मिसाल के तौर पर जब हम साइंस का कंटेंट है, मैथ का है, सोशल का, इसी तरह स्पोर्ट्स है, फिज़िकल एजुकेशन का नॉलेज भी ऐसा है कि जो आपको बार बार मजबूर करता है कि आप ये इलम बार से दोबारा दोबारा हासिल करें. नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट की ये डिमांड है कि जो लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन है उसकी तैयारी कैसे की जाए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन की तैयारी के बारे में आगाह करूँगा कि लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन की तैयारी आपने कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा. अस्सलामु अलैकुम.